चलिए एक और निमसेट के टॉपर से मिलते हैं, संयम गोयल से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 182 है, जो कि यूपी से हैं, और इन्होंने ये रैंक जो है वो ड्रॉप ईयर के साथ अचीव किए। तो संयम, सबसे पहले 182 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े रहे हम पूरे साल, एंड आपकी गाइडेंस और टीचिंग की वजह से इतनी अच्छी रैंक ला पाया हूँ सर। थैंक यू संयम। अब ये बताओ मुझे, जैसे आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, पेपर थोड़ा इस बार जी अलग तरह का था, कई बार मतलब एक तो सेक्शन वाइज भी था, तो आप ये बताओ आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो क्या है? कब आपने निमसेट के लिए सोचा, फिर पूरे साल किस ढंग से पढ़ाई की, फिर जब ड्रॉप लेने का मन बनाया तो क्या क्या थॉट थे, क्या मन में डर था या क्या पॉजिटिवनेस थी, मतलब इंटायर जो आपकी जर्नी है टिल आज तक की, कि आपने जब तक पेपर दिया था, जब तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर, एक तो मैंने 12th के बाद जेई के लिए भी ड्रॉप लिया था, ठीक एंड है, मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं की थोड़ी, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो मैंने फिर डीयू में बीएससी की, एंड मुझे फिर थर्ड ईयर में जाके पता लगा कि आगे अगर अपनी एमसीए करनी है तो निमसेट नाम से कोई एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने पहले तो थर्ड ईयर में सेल्फ स्टडी करके उसे क्लियर करने की कोशिश करी, पर कॉलेज के साथ इतना मैनेज नहीं हो पाया। ठीक एंड है, तो उस अटेम्प्ट में मेरी 2200 समथिंग रैंक बनी थी। तो फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप लेने की सोची, बट अब एक ड्रॉप मैं दे चुका था तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया एंड मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी में से 22 ला पा रहा हूँ तो एक अगर मैं अच्छे से किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से कोचिंग लूँ तो मैं कर पाऊँगा। तो सर फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया, तो आपका कोचिंग सेंटर की मैंने वीडियो देखी थी आपकी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया एंड फिर सर आपके साथ पढ़ते गए। एंड जो मैंने पिछली गलतियाँ की थी पिछली बार जेई के टाइम पे, वो इस बार मैंने नहीं की। मैंने अच्छी तरह से नोट्स बनाए एंड मैंने मॉक्स दिए, उनका एनालिसिस किया, एंड तो सर ये मेरा रिजल्ट आ गया सर जी। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट अगर आप फाइनल ईयर में थोड़ा लेट सोचा आपने, अगर आप पहले जी सोचते तो शायद हो सकता रैंक अच्छी आती, या फिर आप प्रॉपरली इम्पिटस के साथ जुड़ गए होते, पर क्योंकि जी आपने खैर सेल्फ करा, पर सेल्फ करने भी 2200 रैंक ने आपको एक बूस्टअप कर दिया कि बिना कोचिंग के भी मैं ये रैंक ला सकता हूँ, तो कोचिंग करके और अच्छी ला सकता हूँ, और वो आपके सामने रिजल्ट है भी। तो संयम, ये बताओ कि आपने जब ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद पूरे साल कोई एक भी डर का या कुछ टेंशन हुई आपको, स्ट्रेस हुआ साल को सर लेके? स्ट्रेस स्ट्रेस होता था, जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं मॉक दे रहा हूँ एंड शुरू में मेरे पास मेरे से 6-7 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता था मैं, एंड मॉक दे के उठ जाता था मैं कि मेरे से नहीं हो रहा। बट फिर सर आप बताते, जैसे कि पहले छोटे टारगेट बना के चलो, तो मैंने अपने आपको समझाया कि पहले 50 में से पहले 20 क्वेश्चन बना के चलते हैं, कि पहले 20 करने हैं, तो यही सोच के मैंने दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही इंक्रीज करता गया, तो मतलब कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम्स का मैंने जो सॉल्यूशन ढूंढता था एंड डिसिप्लिन मैंने बनाए रखा, तो ऐसे स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा कुछ हुआ नहीं फिर। गुड। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपके पास आया, तो क्या थॉट प्रोसेस था और पेपर का मैनेजमेंट किस तरह से आपने किया? सर पहले तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक तो मैंने हैबिट बना ली थी कि जब भी मैं मॉक दे रहा हूँ कि मैं पहले 5 मिनट मेडिटेशन करूँ ताकि माइंड मेरा क्लियर रहे। तो ऐसे ही मैंने वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाकर मेडिटेशन किया एंड फिर उसके बाद माइंड क्लियर था। तो एग्ज़ाम जब पेपर सामने आया तो मैंने पहले ही मैथ्स में जाते ही पहले एक तो जो जो क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ वही ढूंढने शुरू किए। जैसे आप 2 राउंड्स में बताते थे ऐसे ही 2 राउंड्स में करने की कोशिश की, पहले इजी वाले क्वेश्चन टारगेट करें एंड फिर हार्ड वाले क्वेश्चन पर गए। ओके। तो संयम, ये बताओ कि आपने इतना अच्छा पेपर दिया, इतनी अच्छी रैंक अचीव की, आपका जूनियर को लेके क्या मैसेज होगा, और जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोचते हैं या डरते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर अगर अपने आप पर आपको बिलीव है कि आप ड्रॉप लेकर कर सकते हैं और आप डिसिप्लिन बनाकर पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तो जैसे अगर आप इनपुट देंगे तो आउटपुट जरूर आएगा, तो ड्रॉप ले लेना चाहिए अगर आप बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव करते हैं। और ऐसे ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती इसमें, अपना अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका आउटपुट जरूर आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने संयम। तब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करिए, और ऐसे ही लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। आपने ग्रेजुएशन भी अच्छी जगह से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अब आप पीजी भी एक अच्छी जगह से ही करेंगे, पक्की बात है, या तो इलाहाबाद से या वारंगल से, कहीं ना कहीं, या कुरुक्षेत्र से, जो आपका च्वाइस होगा, तो वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करें। वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मदर हैं सर। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संयम की 182 रैंक के लिए। सर। धन्यवाद सर, मेरे से ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की इसकी मेहनत और आप लोगों का प्रयास ही इसको इस मंजिल तक लाया है जी। जी, थैंक यू। पर आपके चेहरे की खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए संयम के बारे में कुछ, किस तरह से घर पे पढ़ाई करता था और क्या क्या चीजें थी इसकी लाइफ की, रोज की, जो इसने चेंज की जिससे इतनी अच्छी रैंक लेके आया?
जो सर मदर का मैं ऑब्जर्वेशन होता है बहुत अलग होता है, तुम आप अपने देखिए सर, तरीके से मैं बता। इसको ये बता दूं कि इसकी मेहनत काफी इसने की है, और जो हमारे घर के हालात कंडीशन थी उस चीज को देख के ना ये अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाया है कि मतलब मुझे करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई के, अपने घर के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो जी जी इसने जी सेक्रीफाइस भी सर बहुत किया है इसने, मतलब अपनी सारी जो मैं क्या बोलूं कि मुझे मैं समझ नहीं पा रही कि जो इसकी मतलब बहुत सारी चीजें इसने छोड़ दी इस, बिल्कुल हाँ जी, अपनी पढ़ाई के लिए कि भाई मुझे करना है, और बाकी इसकी मेहनत सर, तो वो सर सफल हुई है, वो मेहनत रंग लाई है, बाकी आप जी लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्रयास इसको यहाँ तक लाया है सर। जी बिल्कुल सही बात बोली। मैं वो अभी देख भी रहा था वो सब कुछ, कि इसने बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज किए, एक साल अच्छी मेहनत की, और एक लाइफ की, एक समय की मेहनत इंटायर लाइफ चेंज करती है। आज तो ये सिलेक्ट हुआ, अभी अच्छे से NIT में जाके MCA करेगा, फिर अच्छा जॉब, सारी परिस्थिति चेंज हो जाएंगी, पर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज से ये चीज होती है। और वो आपकी बात से समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि नहीं सर, आपने उसके गैप लिए क्यों मैं किया है। देखिए, मैं सर मैं कहती हूँ बच्चे, सभी बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं सर, लेकिन जो कुछ चीजें जैसे अपने घर की कंडीशंस बच्चे अगर देख लेते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो शायद वो बच्चे कुछ ज्यादा कर पाते हैं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल एकदम सही बात बोली, कि वो बच्चे ज्यादा कुछ कर पाते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि अगर मैंने आज अच्छा नहीं किया तो और कंडीशन बुरी हो जाएगी, तो वो बच्चे समझ लेते हैं। जी सर, बस बस यही सर, चलिए बाकी बहुत मैं तो यही आपसे चाहूंगी कि आगे भी आप इसको ऐसी आशीर्वाद देते रहे सर, कि ऐसे आगे बढ़ता रहे, आप लोगों का इम्पिटस, नाम रोशन करता रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इम्पिटस से जुड़ा हुआ बच्चा लाइफ टाइम जुड़ा रहता है। मेरे साथ आज भी 25-30 साल पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ा रहेगा, आप भी जुड़े रहेंगे। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और मैं आपको कहती हूँ कि आप जब भी फ्री होए, कभी मौका लगे, आप आइए हमारे घर। बिल्कुल 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 जी 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 ओके सर, धन्यवाद ओके सर। धन्यवाद।